बेटी को प्रमुखता दी जाती है। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों बावियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। ये 25 दिन जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश में बनने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और मेरी खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत है, मनदीप सिंह और जेड़े बाद सुनील गुप्ता जी नौजवान शक्ति है, उसी किस तरीके सीधे रस्ते पर लाया जा, नारी शक्ति की किस तरीके काम लगाया जा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए ये जो मन की बात का कार्यक्रम चल रहा है और आज इसका 100वां एपिसोड था और आपने देखा यहाँ सांबा में, सांबा शहर की करीम विभिन्न जो हमारी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के लोग, नॉन पॉलिटिकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, सब लोगों ने यहाँ हिस्सा लिया और ये पूरा एक नॉन पॉलिटिकल जो कार्यक्रम माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम का जो मकसद है कि देश को किस ढंग से हमने आगे ले जाना है और कि जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इसका एक मेन कारण यही था कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ जहाँ भी कोई कार्यक्रम होता, जहाँ जहाँ भी कोई डेवलपमेंट होती, नया कोई हमारा नौजवान अगर नया कोई कार्यक्रम करता, हमारी जो महिलाएँ हैं अगर वो कोई काम करती, हमारे जो रिटायर्ड लोग हैं, आर्मी पर्सनल हैं, जो भी काम पूरे देश में होता वो मोदी जी पूरे देश को उस विषय में बात करते थे और मैं समझता हूँ कि उससे हमारे जो नौजवान हैं उसको भी प्रेरणा मिलती थी, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी प्रेरणा मिलती थी कि ये भारत को हमने किस ढंग से आगे ले जाना है, क्योंकि ये नौजवानों का देश है हमारा भारत और इसमें नौजवानों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन लोगों को अवेयर करने के लिए, उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था और मैं समझता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए ये कार्यक्रम मोदी जी ने मन की बात का शुरू किया था, उस आज 100वां एपिसोड में हमने इस बात का एहसास किया कि जिस पर्पज़ के लिए वो कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो पर्पज़ कम से कम मैं समझता हूँ कि 100% हमने उसमें अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि भारत, पूरे भारत का जो नौजवान है उस इस कार्यक्रम को वो बड़े ध्यानपूर्वक सुनता है और उस पर कार्य करता है, आगे चलकर वो प्रेरणा लेकर, बाकी लोगों से प्रेरणा लेकर वो अपने भी फील्ड में उसी ढंग का कार्य करता है और वो देश को आगे बढ़ाने की जो हमारी प्रतिक्रिया माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शुरू की है उसमें अपना योगदान वो डालता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो कार्यक्रम है ये देश को बहुत आगे ले जाएगा और जो हमारा नौजवान और जो हमारी महिलाएं हैं इस कार्यक्रम को सुनकर आने वाले दिनों में भारत को ताकतवर करने में अपना पूरा सहयोग देंगी। धन्यवाद।